नमस्कार दोस्तों, डेली लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है करण और आज आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च करी गई है हमारे लिए। तो इस ऐप का नाम है उमंग ऐप। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके अंदर आपको 600 से ज़्यादा सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी भारत सरकार द्वारा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये ऐप एक बार ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, क्या पता आपको कहीं काम ही आ जाए। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा, मैंने इसे लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर डालना होगा और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस OTP को डालने के बाद आपका ये होम टैब खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेरियस सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं कि कौन कौन सी सर्विस भारत सरकार ने अभी अपडेट करी है, कौन सी सर्विसेज जो हैं अभी ट्रेंड कर रही हैं और कौन सी सर्विसेज को लोगों ने टॉप रेटेड सर्विस दिया है। इसी तरीके से आप वेरियस सर्विसेज का सुविधा यहाँ से उठा सकते हैं और यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जिसमें आप 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मंडे टू संडे फ़ोन करके अगर आपको इस ऐप के अंदर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगर हम सेकंड टैब में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को लिखा हुआ मिल जाता है फ्लैगशिप स्कीम्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी भारत सरकार ने योजनाएँ लॉन्च करी गई हैं उसका देखने को हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं, उसके अंदर हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो वेरियस चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी लेकिन आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए नीचे आपको वेबसाइट का लिंक दिया होगा, उस जैसे अगर आप कोई स्कीम खोलेंगे, जैसे मैं आपको एक स्कीम खोल के दिखा देता हूँ आयुष्मान भारत की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को बेनिफिट्स मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितने डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ कहाँ कौन कौन सी साइट है जिसके थ्रू हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप वेरियस स्कीम्स का फ़ायदा उठा पाएंगे, आपको सारी स्कीम्स को जानने का मौका इस ऐप के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम ऑल सर्विसेज के टैब में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च करी गई है जिसमें सेंट्रल सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं और स्टेट सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं। तो पहला सेक्शन आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर भारत बिल पे का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसके ऑप्शन के द्वारा आप यहाँ पर कोई भी अपना बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पानी का कोई भी बिल पे कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भारत पे की तरह आपने पेमेंट करी हो और आपको कोई एरर आया हो तो आप यहाँ से कंप्लेन भी रजिस्टर करवा सकते हैं और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगली सर्विसेज की बात करें तो यहाँ से आप अपना गैस का सिलेंडर भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपना रिजल्ट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी, मैं आपको कुछ चुनिंदा सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको पता लग सके ये ऐप कितनी यूज़फुल है और आपको ये ऐप ज़रूर इंस्टॉल करनी चाहिए, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को दिल्ली पुलिस का भी एक टैब देखने को मिल जाता है। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, गाड़ी चोरी हो जाती है या कोई बंदा खो जाता है तो उसकी कंप्लेन भी आप यहाँ ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे को डिजी लॉकर का मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता डिजी लॉकर क्या है तो डिजी लॉकर एक तरीके की सुविधा है जो भारत सरकार ने हमारे को दी है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास गवर्नमेंट की आईडी नहीं होती है और फिर हमारे को वापस घर जाना पड़ता है आईडी लेने के लिए, तो तब भारत सरकार ने एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जिसके अंदर हमारी जो जितनी भी गवर्नमेंट की आईडीज़ हैं वो ऑनलाइन स्टोर रहेगी और जैसे ही अगर आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो आप उस आईडी को ऑनलाइन दिखा के अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे और भी वेरियस सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ई रक्त कोष। इसका मतलब ये है कि अगर आपके किसी परिजन को ज़रूरत है खून की और आपको खून नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन से हॉस्पिटल हैं और वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप का पड़ा हुआ है उनके पास, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप की आपको ज़रूरत है और अगर आपको वो ब्लड ग्रुप मिल जाता है तो
तो आप नीचे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको उस हॉस्पिटल का नंबर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं ब्लड के बारे में। उसके बाद और भी सर्विसेज यहाँ पर दी गई है, जैसे कि ई पाठशाला दी गई है जो कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और सबके लिए है, जिसमें आपको ऑनलाइन बुक्स देखने को मिल जाएंगी और आपको कोई भी बुक कैरी करके चलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के अंदर बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको और भी सर्विसेज जैसे देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर NDMC का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपने कोई MCD का टैक्स जमा करवाना है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट खाली उन्हीं बंदों का डाउनलोड होगा जो सरकारी अस्पताल में पैदा हुए हैं। उसके बाद आप यहां से अपना इनकम टैक्स भी पे कर सकते हैं, पासपोर्ट की सेवा का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूंगा, आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्या पता आपको कभी काम आ जाए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।